Assalamualaikum, welcome to Farasari Vlogs. कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मैं बहुत रेडी में हूँ. मैं निकल रही हूँ उमरे के लिए. हमारी तैयारी तकरीबन रेडी है. मैं अबाया पहन रही हूँ और ये अपना एहराम लेके घर है. हम जा रहे हैं ताइफ. ताइफ वहाँ से हम एहराम बांधेंगे इंशाल्लाह. आपसे मिलते हैं रास्ते में और इंशाल्लाह आपको मक्का की ज़ियारत भी कराते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल. और मैंने सब बैग में रख भी लिया है सब सामान ज़रूरत का, क्योंकि इंशाल्लाह आज हम वापस आ जाएंगे. और मुझे ऐसी कोई चीज़ रखनी नहीं है, ना परफ्यूम वगैरह लगाना है ना मेकअप कर सकते हैं. तो सिंपल सी तो ये हमारे पास दो ऑप्शन थे. एक एहराम हम मीकात पे जाके भी बांध सकते थे और यहाँ पे भी कर सकते थे. तो इन्होंने एहराम ही पहन लिया है माशाल्लाह. जो है हम लोग यहाँ से जद्दा से घर से निकल गए. फिर हम यहाँ से ताइफ वाले मीकात जाएंगे. मीकात से नियत करके दो रकात नफिल पढ़ के फिर वहाँ से निकलेंगे. फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला. वहाँ से वापस जद्दा. अभी स्टिल हम ताइफ के रास्ते में ही हैं और टाइम क्या हो चुका है इस वक्त? 7:30 हो रहे हैं. मीकात पहुंच गए हैं. ताइफ थोड़ा सा आगे जाकर निशानी है ये ना मीकात की. ये मीकात की निशानी है. हम यहाँ मीकात पे पहुंच चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे बस भी खड़ी हुई है. अल्हम्दुलिल्लाह हम मीकात पहुंच चुके हैं. अब हम मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे और इंशाल्लाह फिर यहाँ से नियत करके मक्का की तरफ हमारी रवानगी होगी. ये मेरी बैक साइड पे मस्जिद है. अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे दौरा नेसा पे. वज़ू करूँगी और मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी. उसके बाद मैं पढ़ूँगी दो रकात नमाज, नियत करूँगी उमरे की अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र की नियत हो गई है. मैंने दो रकात नमाज भी अदा कर दी है और अब मैं बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का और कामरान भाई का. मेरे पीछे जो मस्जिद है ये वाली मस्जिद जो है ये जेंट्स की है और ये वाली जो मस्जिद है ये औरतों की है. तो ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है. इसके अंदर नहाने का एरिया भी बना हुआ है, वज़ू खाना भी है. तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ उनका. और ये लोग भी नमाज़ पढ़कर वापस आ चुके हैं. कामरान भाई का रोज़ा है तो रास्ते में खुल गया था. पानी से रोज़ा खोल गया था. अभी हम यहाँ कॉफ़ी शॉप पे रुके हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं और कुछ खाने पीने का ले रहे हैं. सुपरमार्केट से पानी ले लेते हैं. और यहाँ पर आ चुकी है कॉफ़ी, खाने पीने का सामान और पानी. मेरे भी कार्ड में ये पैसे मैंने एहतियातन निकाल लिए थे. मैंने कहा यार एयरपोर्ट तो जरूर पड़ती है. हां तो उसी में मशीन लगी हुई थी. अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का पहुंच चुके हैं. हमारी गाड़ी से ही रोड से ही हमें क्लॉक टावर नजर आ रहा है. लाख लाख शुक्र है हम लोग मक्का पहुंच चुके. ऑलमोस्ट हमारे साथ एक ट्रेजिडी ये हो गई थी कि मीकात का इशू आ रहा था कि हमें जद्दा से मीकात जाना पड़ेगा. आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रियाद से आने वालों के लिए क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एहराम उनको मीकात से बांधना पड़ेगा. तो ऑलमोस्ट हमारा उमरा कैंसिल ही हो गया था, लेकिन अल्लाह वसीले बनाता है, अल्लाह वसीले बनाने वाला है. कामरान भाई की वजह से हम लोग उमरे के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं साफ खैरियत से. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. वो कहते हैं हम कभी अल्लाह को भूल भी जाते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को नहीं भूलता. तो मेरा इस चीज़ पर फर्म बिलीव है.
अब अल्लाह को ये देखिए आ जाए सुभान अल्लाह हमारा परमिट 10 बजे का है तो अभी भी 5 मिनट रह गए। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास एक कोड आएगा, वो हमें वहाँ बताना होगा, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं उम्रे के लिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने परमिट के टाइम का स्टार्ट होने का। अंदर दाखिल हो चुके हैं, अब मैं औरतों के सेक्शन में जाके दरगाह नमाज नफिल अदा करूंगी पहले, उसके बाद हम उम्रे के लिए जाएंगे। हमारा परमिट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया और हमें अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, फिर आपको ज़रूर ज़्यारत कराऊँगी। वाकई अल्लाह के घर में कोई ऐसी बात ज़रूर है कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। अल्लाह पाक मेरे और वालदैन, मेरे शौहर के वालदैन और मेरे तमाम अजीज़ कारक और तमाम तर लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबकी तमाम दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन। और अल्लाह पाक कामरान भाई को सेहत तंदुरुस्ती और कामयाबी अता फरमाए, जिनकी वजह से मेरा उम्रा पॉसिबल हुआ, वरना ऑलमोस्ट हमारा उम्रा कैंसिल ही हो गया था। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें, हम घर से नियत करके निकले थे तो अल्लाह पाक ने हमारी नियत कबूल की, हमारी दुआ कबूल की, हमें अपने घर पे बुलाया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें, फिर भी कम है। और वसीला अल्लाह ताला ने कामरान भाई को बुलाया और अब हम काबा की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें नजरें नीचे रखनी है। और जैसे ही मेरी काबा पर नज़र पड़े तो मैं सबसे पहले दुआ मांगूँ और अल्लाह ताला वो मेरी दुआ कबूल फरमाए। ये जो हरी लाइट लगी है ना तो यहाँ से हमारे चक्कर शुरू होंगे और हमारा उम्र स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां चक्कर चल रहा है तवाफ का। अल्लाह ताला मेरे तमाम ब्लॉग देखने वालों की तमाम दुआएं कबूल फरमाए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ तो पूरा हो गया है, हम सही के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह रश बहुत है सही करने में, हमें लग रहा है काफी टाइम लग जाएगा हमें, लेकिन अल्लाह करी हम यहाँ तक तो पहुंचे। यहाँ आने जमजम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला कामरान भाई और रहमा को खुश रखे, उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें हमें हमारा वसीला बनाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अब हम जद्दा
सीधा वापस आ गए घर जा रहे हैं। पूरे पूरे एक घंटे में घर पहुँचे हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म, आपसे मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे किसी नई जगह और नई चीज़ों के साथ अपने अगले ब्लॉग में। जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।